फ्रेंड्स, लक्ष्मी पूजा भी आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाकर दिखाऊंगी, जिसकी हाइट कम से कम 1.5 से 2 फुट की रहेगी। ये पार्ट वन है, जिसमें मैं आप लोगों को मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट एंड स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियों की वीडियो लेकर के आती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लकड़ी की कटिंग हो रही है। लकड़ी कटिंग के लिए हमने किसी भी मेज़रमेंट का यूज़ नहीं किया है, ना ही आपको भी करना है। बस आपकी मूर्ति की हाइट जितनी होगी उसी हिसाब से अंदाजे से आपको लकड़ी की कटिंग करनी होगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका मेज़रमेंट बता दूंगी फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर 4 लंबी लकड़ी है और 4 छोटी लकड़ी है। लंबी वाली की हाइट 8 इंचेस है और छोटे वाले की हाइट 4 इंचेस है फ्रेंड। बहुत ही सिंपल है, लंबी वाली लकड़ी का जो साइज़ होगा उसका आधा हम छोटी वाली लकड़ी को रखेंगे। फिर यहाँ पर हम चारों लकड़ी को कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज करेंगे। पहले हम 2 लकड़ी को रखेंगे और उसके ऊपर फिर से हम 2 लकड़ी को रख कर उसे हम कील की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में दिखाए गए तरीके से फ्रेंड्स, इन चारों कोनों पे आप कील को अच्छे से फिक्स कर लीजिए। बैम्बो वाली लकड़ी फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं, उसकी जगह पे आप सेम जो ऊपर में लकड़ी लगी हुई है उसका भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास वो लकड़ी बची नहीं थी, इसलिए मैंने ये लकड़ी का यूज़ किया है बैम्बो वाले का। लेकिन बाद में मैंने ये जो बैम्बो वाली लकड़ी है इसको हटा कर सेम लकड़ी को लगा दिया था, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा कि फ्रेम चेंज हो गया है। ये वही फ्रेम है लेकिन मैंने बाद में से चेंज कर लिया था, क्योंकि ये जो बांस की लकड़ी है ये बीच से फटने लगी थी। तो यहाँ पे अब हम जो 4 जो छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस थे उनको कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पकड़ कर इसे फिक्स करना है। और हम फ्रेम को उल्टा करके इसे फिक्स कर रहे हैं। ये फ्रेम अभी जब हम इसको सीधा करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए हमने सीधा कर लिया है और जो बची हुई 2 लकड़ी थी छोटी वाली उसे हम इस तरीके से सामने में कील की हेल्प से फ्रेम को उल्टा करके फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्लाई के टुकड़े हैं जिसको मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो ऊपर वाले साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कट किया है, फिर हमने इस तरीके से नीचे की तरफ के साइज़ को मापते हुए कट किया है और ये बीच में कुछ इस तरह से। इसका साइज़ मेजरमेंट आप अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग कर लें और उसे हम कील की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का फ्रेम हमारा बनेगा फ्रेंड्स, सीढ़ी जैसा, जैसे कि इसके ऊपर लक्ष्मी माँ बैठी हुई रहेंगी और नीचे की तरफ उनका पैर रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसे भी लगा लिया है और ये जो बीच वाला है इसे भी हम अच्छे से कील की हेल्प से फिक्स कर लेंगे, ताकि बीच में जो लकड़ी दिखाई दे रही है वो बाद में दिखाई ना दे। और सेंटर पार्ट में हम एक कील को लगा लेंगे और एक पतली सी लकड़ी को कील के साथ मिलाते हुए वायर की हेल्प से टाइटली बांधेंगे, जिससे कि ये बाद में खुले ना। यदि आप इसे बांधने के बाद हॉट ग्लू से चिपका लेंगे तो ये इसमें और भी ज़्यादा मजबूती बन जाएगी। जब हम इसके ऊपर मूर्ति बनाएंगे फ्रेंड्स तो मूर्ति बिल्कुल हिलेगी नहीं और एकदम सीधी बनेगी। तो इसी के ऊपर हम मूर्ति बनाएंगे फ्रेंड्स। ये रहा हमारा फ्रेम या स्ट्रक्चर। इसके ऊपर किसी भी सिटिंग पोजीशन की मूर्ति को आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।